Now we will see labeling and documentation of sample. अब हम आपको सैंपल लेबलिंग और डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बताएंगे। COVID-19 के पेशेंट का सैंपल लेने के लिए सबसे पहले हमें वायल की जांच करनी होगी, जिसमें अगर वायल का कलर गुलाबी है तो यह सही है, अगर वायल का रंग पीला हो गया है तो हम दूसरा वायल लेंगे। वायल में लेबल होना ज़रूरी है, जिसमें कि पेशेंट का नाम, एज, सेक्स, हॉस्पिटल का नंबर और वार्ड का नंबर होना अनिवार्य है। सैंपल ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो हम कार्ड बॉक्स लेंगे, उसमें हैंडल विद केयर का लेबल होना चाहिए यहाँ पर, और उसमें पेशेंट डिटेल भरी होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू इंडियन नर्सिंग काउंसिल, हम लोग जब COVID-19 पेशेंट का सैंपल सेंड करते हैं तो उसके लिए हमें रिक्विजिशन फॉर्म प्रॉपरली भरी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, रिक्विजिशन फॉर्म में हम लोग पेशेंट की डिटेल्स भरते हैं, जैसे कि पेशेंट का नेम, एज, सेक्स, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एक्सपोजर हिस्ट्री, पेशेंट कब कांटेक्ट में आया था। इसके अलावा कुछ और डिटेल्स भी भरी जाती हैं, जैसे कि साइन एंड सिम्टम्स, फॉर एग्जाम्पल फीवर, कफ, ब्रीथिंग डिफिकल्टी, अदर डिजीज लाइक अस्थमा, डायबिटिक मलाइटस, हाइपरटेंशन, फुल डिटेल ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। अगर पेशेंट कभी इसके पहले इस बीमारी से हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है, इन्वेस्टिगेशन, हॉस्पिटल में क्या क्या इन्वेस्टिगेशन या जांचें हुई हैं, टाइप ऑफ स्पेसिमेन, हम लोग जो स्पेसिमेन सेंड कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, वो किस टाइप का है। ये सारी जानकारी प्राप्त होने के बाद ही हम पेशेंट का सैंपल कलेक्ट करेंगे।